नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सीजी टॉप 10 कॉलेज इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। यह यूनिवर्सिटी रायपुर में स्थित है। यहाँ होने वाली कोर्सेज के बारे में देखेंगे, यहाँ जो जो कोर्सेज होती है उसके बारे में आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इस चैनल में छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके बारे में फुल अपडेट दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कोर्सेज में क्या क्या है। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं BSc में क्या है। तो आपको BSc में मिलेगा मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, नॉन मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, बायो इन्फॉर्मेशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और योगा, जिसमें आप यहाँ BSc कर सकते हो। उसके बाद आप कॉमर्स में यहाँ BCom, जनरल BCom कर सकते हो, BCom ऑनर्स है, MCom कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ BBA, BCA, DCA और MCA भी यहाँ कर सकते हो। तो ये हुआ कॉमर्स का। उसके अलावा आप यहाँ बेचलर ऑफ एजुकेशन है, बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, बेचलर ऑफ आर्ट है, बेचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, बेचलर ऑफ सोशल वर्क है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, बेचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। तो ये बहुत सारा बेचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। या हम देखते हैं लॉ में क्या क्या है। तो लॉ में आपको यहाँ मिलेगा BA LLB मिलेगा, BBA LLB मिलेगा, LLB मिलेगा और LLM मिलेगा। तो आप लॉ में इसमें पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ हम देखते हैं MSc में यहाँ क्या क्या है। तो केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, इंटीरियर डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन है, बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेशन है, माइक्रोबायोलॉजी और योगा में आप यहाँ MSc कर सकते हो। तो बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मतलब PG डिप्लोमा में यहाँ क्या क्या है। तो PG डिप्लोमा में आप यहाँ योगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ आपको फार्मेसी में भी मिलेगा। तो फार्मेसी में आपको B Pharmacy, D Pharmacy, M Pharmacy मिलेगा। तो आप यहाँ इसमें पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पॉलिटेक्निक में क्या क्या मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर है, माइनिंग इंजीनियरिंग की आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो पॉलिटेक्निक में भी अच्छी खासी ऑप्शन है। यहाँ आपको BTech में मिलेगा। तो BTech में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस एंड मशीन इंजीनियरिंग है, क्लाउड ड्यूब्स एंड ऑटोमेशन में यहाँ BTech कर सकते हो। यहाँ देखते हैं MTech में क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप यहाँ MTech कर सकते हो। तो अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं यहाँ PhD में इकोनॉमिक, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉ, कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट में आप यहाँ PhD कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं MBA में यहाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक, मजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मिलेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मिलेगा, रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मिलेगा, हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसमें आप यहाँ MBA कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो पहुँचते रहे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।